हेलो स्टूडेंट्स सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में सो so, देखिए जैसे जैसे हम अपने सिलेबस की कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं हमारे दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस और इसके साथ साथ ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर थ्री की तरफ बढ़ गए हैं जिसमें हम ये देखेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सो द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था कि जो फिलॉसफी और एजुकेशन है ये दोनों ही आपस में इनका क्लोज रिलेशनशिप है दे गिवन दे गिव एंड टेक फ्रॉम ईच अदर ये एक दूसरे से अपने सजेशन और एडवाइस दोनों ही और टेक्निक्स दोनों को ही शेयर करते हैं सो फॉलोइंग पॉइंट्स विल इलस्ट्रेट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है सो so, फर्स्ट है एंड्स ऑफ बोथ्स आर द सेम मतलब कि दोनों के जो एंड्स हैं दोनों का ही जो रिजल्ट है दोनों की ही जो डेस्टिनेशन है वो एक जैसी है एजुकेशन एंड फिलोसफी आर इनसेपरेबल बजुकेशनफी आर आइडेंटिकल अब देखिए जो एजुकेशन है और फिलोसफी है हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते अलग नहीं कर सकते क्योंकि जो एजुकेशन का एंड है और जो एजुकेशन फिलोसफी uh, का एंड है वो दोनों ही सेम है मतलब कि अगर आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करते हैं तो आप उसी एंड पर जाके पहुंचेंगे किसी भी रास्ते पर चलो सो so, ये तो वही बात होगी एक ही मंजिल के दो रास्ते सेकेंड मीन्स ऑफ बोथ आर द सेम द मीन्स ऑफ फिलोसफी आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन इट इज द इंक्वायरी विच अलोन कैन लीड टू विजडम तो देखिए दोनों के जो एंड्स हैं वो भी सेम है दोनों के जो रास्ते हैं मीन्स हैं किस तरीके से वहां जाओगे किस तरीके से उस कंक्लूजन तक पहुंचोगे दोनों के जो मीन हैं वो भी सेम है इट इज इंक्वायरी विच अलोन कैन लीड टू विजडम दोनों ही इंक्वायरी की मेथड है जिसमें आप एक विजडम की तरफ पहुंच सकते हो फिलोसफी प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू एजुकेशन तीसरा पॉइंट ये है कि जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन को डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करती है फिलॉसफी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इट गिवस डायरेक्शन टू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग सर्टिन गाइडलाइंस आप किस तरह से ये फिलोसफी डायरेक्शन दे रही है कि उसको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करके सो एजुकेशन इन्वॉल्व बोथ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज अभी जो एजुकेशन है इसमें दोनों ही चीजें आ जाती है थियोराटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थियोरोटिकल में आपके सारे आइडियाज आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आ जाता है सो गुड आइडियाज कैन लीड टू गुड प्रैक्टिस एंड गुड प्रैक्टिस रे इन्फोर्सेस गुड आइडियाज तो देखिए जब हमारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं तो हम अच्छे गुड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं मतलब कि हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी अच्छे से हो जाता है और जब प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से हो जाते हैं तो जो नई नई आइडियाज हैं वो उससे और अच्छे आते हैं सो इन ऑर्डर टू बिहेव इंटेलिजेंटली इन द एजुकेशनल प्रोसेस एजुकेशन नीड्स डायरेक्शन एंड गाइडेंस विच फिलासफी कैन प्रोवाइड तो अगर आपको सही ढंग से किसी एक रास्ते पर चलना है तो आपको एजुकेशन में डायरेक्शन और गाइडेंस जो प्रोवाइड करेगा वो है फिलॉसफी हेंस फिलोसफी इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल टूल फॉर द एजुकेटर बट ऑल्सो अ वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स अस टू गेन अ वाइडर एंड डीपर परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द वर्ल्ड अराउंड अब ये देखिए जो फिलॉसफी है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल टूल ही नहीं है एजुकेटर्स के लिए कि वो अपनी चीज को इम्प्रूव कर सकें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें सो और ये गेन करते करने में हेल्प करता है वाइडर एंड डीपर परस्पेक्टिव हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कि हम असल में क्या चाहते हैं हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे हम क्या चाहते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल रिकंस्ट्रक्टिव। सो द चीफ टास्क ऑफ फिलोसफी इज टू डिटरमाइन वट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ वेयर इज टास्क ऑफ एजुकेशन इज हाउ टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग तो देखिए मेन टास्क फिलोसफी का क्या है कि हम अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं और हमारी एजुकेशन का क्या है कि हम कैसे अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग बना सकते हैं सो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर म्यूचुअली रिकन्स्ट्रक्टिव दे गिव एंड टेक फ्रॉम इच अदर ये एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं फिलासफी डील्स विद द गोल्स ऑफ गोल्स एंड एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ वेल एजुकेशन प्रोवाइड दीन्स टू अचीव दीज गोल्स ऑफ गुड लाइफ फिलोसफी क्या है हमें गोल देती है गोल्स से रिलेटेड है और हमारी गुड लाइफ से रिलेटेड है और एजुकेशन इसको प्रोवाइड करने के लिए जो मीन्स हैं ठीक है इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मीन्स हैं उनको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलासफी एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलासफी इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल बिलीव द प्रैक्टिकल मीन ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ तो देखिये हमारी लाइफ का एक फिलोसफिकल बिलीफ का एक एक्टिव एस्पेक्ट है ये प्रैक्टिकल मीन है हमारी लाइफ के जो आइडियल्स है उनको पूरा करने के लिए फिलोसफी प्रोवाइड्स यूनिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन फॉर मेकिंग एंड डेवलपिंग द हार्मोनियस पर्सनैलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन फिलोसफी क्या प्रोवाइड करता है हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट देता है हमारी एजुकेशन को ताकि हम क्या कर सकें डेवलप कर सकें अपनी हारमोनियस पर्सनैलिटीज को अपने बच्चों की नेक्स्ट एजुकेशनल मोमेंट्स आर लेड बाय फिलोसोफर्स। जितने भी तरह के एजुकेशन मोमेंट्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में वो सारे ही फिलोसोफर्स ने किए सो इट हैड बीन सीन दैट एजुकेशनल मोमेंट्स एंड प्रोग्राम्स प्रोपोकेटेड बाय ग्रेट एजुकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ देयर फिलोसफिकल बिलीव्स तो जितने भी तरह के एजुकेटर्स थे उन्होंने हमारे एजुकेशनल मूवमेंट्स और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे उन्होंने अपनी अपनी फिलोसफिकल बिलीव से उस चीज़ों को पूरा किया नेक्स्ट ग्रेट फिलासफर्स हैव ऑल्सो बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट मीन्स जितने भी सारे ग्रेट फिलासफर हैं वो एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हैं इट हैज बीन सीन दैट ग्रेट फिलासफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट इन द ईस्ट एज वेल एज इन द वेस्ट सो द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन इज एविडेंट इन द व्यूज बाय ग्रेट थिंकर्स लाइक प्लेटो एरिस्टोटल कोमेनियस लोकी रोसो फ्रेबल एंड टीवी तो ये ऐसे एजुकेटर्स हैं जो फिलोसोफर भी थे इवन द लेटर थिंकर्स लाइक रसल एंड हग्जली ऑफर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन उसके बाद रसल और हग्जली इनके बीच का रिलेशनशिप दिया एक इंटीमेट कनेक्शन दिया फिलोफी और एजुकेशन के बीच में sure और रसल की पब्लिश हुई थी वो एक एग्जाम्पल है वो हमें दिखाता है कि एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है रॉस रिमार्क्ड दैट ऑन द होल Great have been great तो रोस उन्होंने क्या कहा है कि एक जो ग्रेट द एग्जांपल ऑफ द हु वर द मोस्टली एजुकेशनल फिलोसफी फिलोसफर्स तो हमारे एंशियंट हमारे टाइम में जो कुछ सेज थे जो कि एक एजुकेशनल फिलोसफर थे इन रिसेंट टाइम्स एजुकेशन प्रीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद श्री अरुबंद घोष रविंद्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी डॉक्टर राधा कृष्ण एंड जीदू कृष्ण मूर्ति देयर इंटीग्रेशन इज इमपरसेबल तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है ये इमपरसेप्टिबल है इनका इन जो इंटीग्रेशन है नेक्स्ट वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल थॉट्स बेस्ड ऑन फिलोसफी कई सारे ऐसे एजुकेशनल के स्कूल्स हैं जो फिलोसफी पे बेस होते हैं एवरी एक्शन प्लान प्रोग्राम पॉलिसी और सिस्टम इज टू हैव समोसफी एज किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है उसकी जितनी भी सारी एक्शन हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं सभी की अपनी एक फिलोसफिकल रूट होती है जिस पर वो बेस होता है मैनी थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड प्रो पाउंडेड देयर ओन फिलोसफीज ऑफ द लाइफ तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी जो उनकी लाइफ की फिलोसफी थी उसको आगे ले गए एंड एजुकेशन सिमिलरली फॉर एजुकेशन वी हैव गाइडेड बाई फिलोसफर्स प्रोपाउंडेड बाई वेरियस थिंकर्स हैव रिजल्टेड इन डेफिनेट प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन बेसिक एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल वो दूट ऑफ गांधी इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन तो गांधी के अकॉर्डिंग मोहनदास करमचंद गांधी के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन ये इसका एक एग्जाम्पल है उन्होंने इसको अपनी फिलोसफी से दिया

फिलोसफी डिटर्माइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जो फिलोसफी है वो हमारी एजुकेशन की अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिटर्माइंड करती है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन हैज फिलोसफिकल बेस जितने भी हमारे पर तरह के आइडियाज आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फिलोसफिकल बेस से रिलेटेड होते एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम द टीचिंग टेक्निकेक्टर डिसिप्लिन टीचर आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड एंड डिटर फिलोसफी सो इट विल बी वर्थ बाई टू मेक अ थोरो स्टडी ऑफ दीज इम्प्लीकेशन वर्क एबिलिटी एंड प्लान और प्रोजेक्ट कुछ भी हो हमारे एजुकेशन में जैसे कि हमने कुछ एम्स बनाने हो एजुकेशन हो टीचिंग टेक्निक करेक्टर बिल्डिंग हो डिसिप्लिन हो टीचर हो, हो ये कहीं ना कहीं इसका एक एस्पेक्टो हो होता है उसका जो बेस है वो फिलोसफी प्रोवाइड करता है तो इसलिए ये कहना वर्थवाइल होगा की जितनी भी तरह की हमारी इम्प्लीकेशन होती है वर्कीबिलिटी है, है वो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इस फिलोसफी पे ही डिपेंड होता है इनफैक्ट एजुकेशन इज द डायनेमिक एक्टिव एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी और जो एजुकेशन है वो हमारी फिलोसफी uh, का एक डायनेमिक जो चेंज होता रहता है एक्टिव है और प्रैक्टिकल साइड है हमारी फिलोसफी का एजुकेशन का नेक्स्ट व्यूज ऑफ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर्स कुछ ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं थिंकर्स हैं जिनका ये कुछ व्यूज हैं अकॉर्डिंग टू रॉस

एक दूसरे के बिना नहीं देख सकते एजुकेशन बिना किसी फिलोसफी के ये तो हम एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं सो दीज आर द्यूज ऑफ सम थिंकर्स सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी